मेरा और मेरा मैजिक पेट मॉर्फल किसी भी चीज में बदल सकता है। चलो चलें। मेरा इन्वेंशन पूरा हो गया। मैंने इन्वेंट किया है एक यूथ सीरम जिसका इफेक्ट मैं दिखाऊंगी अपने असिस्टेंट पे। ये तो बहुत क्यूट है। मुझे ख्याल नहीं रखना आता एक बेबी का। तुम्हें इसे इसके डैडी के पास लेके जाना होगा जब तक मैं एक एंटीडोट ना बना लूं। मिलो। यहाँ पे जल्दी मॉर्फल एक एयरप्लेन में बदल।
मुझे इस बार एक रोबोट बनना है। सॉरी। मेरे पास एक और आइडिया है उसे पकड़ने का। एक साथ काम करते हैं। रुक जाओ वहीं पर। नहीं। ये हमने कर दिखाया। तुम दोनों ने शहर में बहुत तबाही मचाई है। I'm sorry, मीला और मॉर्फल। मुझे मॉर्फल नहीं होना चाहिए। क्या तुम हमें बदल सकते हो प्लीज ग्लिटरपग? नहीं, मुझे कितना मजा आ रहा था। मजेदार तो था, पर मॉर्फल बनना कितना मुश्किल है। मैं खुश हूँ बिल्कुल ऐसे ही। दुनिया में सिर्फ एक ही मॉर्फल और एक ही अप्रैल हो सकते हैं, और मुझे तुम दोनों से बहुत प्यार है। तुम्हें मेले में मजा आया मीला और मॉर्फल? हाँ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। मुझे अपनी नई बेबी डॉल प्राइस के साथ टी पार्टी करनी है। मॉर्फल को लगता बेबी चाय नहीं पीता। आ जाओ मॉर्फल, आज का दिन बनाते हैं मैजिकल। नीमी, क्या तुम हमारी बेबी डॉल को जिंदा करोगी ताकि वो भी मजे कर सके? हेलो बिल्डर मैरी। हेलो, मुझे एक मैजिक पेट की जरूरत है कुछ भारी ब्रिक्स हटाने के लिए। कोई मदद करेगा? अनीमी उनको जिंदा कर सकती है जिससे कि वो खुद हिल जाएं। वो बढ़िया होगा। हम जल्दी आते हैं मीला और मॉर्फल। बाय बाय। नहीं जाएं बेबी, वो मैजिक पेट ट्रीट्स है, बेबी फूड नहीं। मुझे नहीं लगता बेबी डॉल को जिंदा करना अच्छा आइडिया था। इसको अनीमी के पास ले चलते हैं ताकि वो इसे वापस डॉल बना दे। ओ नहीं, बेबी ऐसा मत करो, मिस्टर वैंडरबूज और बार्टी को चोट लग जाएगी। मॉर्फल, एक काइट बनके बेबी को जल्दी से गाड़ी से उतारो। अरे नहीं, रुको जाइन बेबी, वो असली आइसक्रीम नहीं है। अरे नहीं, मेरी वैन। सॉरी जेरार्डो, हम तुम्हारी मदद बाद में करेंगे। मॉर्फल, डंप ट्रक बन जाओ बेबी को पकड़ने के लिए। मॉर्फ। मेरे पास एक आइडिया है, बेबी को लोरी सुना के सुला देते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तुमने कर दिखाया मॉर्फ। अनीमी, क्या तुम प्लीज हमारी डॉल को वापस नॉर्मल कर दोगी? बेबी शायद जाग गया है। अनीमी, प्लीज जल्दी करो। मिला, हो क्या रहा है? सॉरी डैडी, अगली बार हम अपने टॉयज को जिंदा किए बिना ही टी पार्टी कर लेंगे। हर दिन मैजिकल डे होता है मैजिक पेट के साथ। मिस्टर मिरर, आप हमें दिखा सकते हैं मिरर वर्ल्ड में क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिला। मॉर्फल लव मिरर वर्ल्ड। मॉर्फल। नहीं 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 मॉर्फल, उसे वापस अंदर रख दो। वो ऑफल है। मिरर वर्ल्ड में हमारी दुनिया की हर चीज उल्टी हो जाती है, और चूंकि मॉर्फल बहुत ही दोस्ताना है तो मुझे यकीन है कि ऑफल सिर्फ और सिर्फ बदमाशी ही करेगा। सही कहा, हम इस शहर में ऑफल को लेकर रिस्क नहीं ले सकते। चलो मॉर्फल, क्रोमा के साथ खेलते हैं थोड़ी देर।
हेलो मॉफल, कैसे हो तुम? पुलिस ऑफिसर? अच्छा। ओह, ये क्या कर रहे हो तुम? ऑफिसर। मॉफल, तुम मुझे यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हें ढूंढ रहा है मॉफल। आखिर मिल ही गए मॉफल, अब मुझे उतारो यहाँ से। थैंक्स, मगर मुझे ऐसी करतूते बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तुम थे जिसने मुझे वहाँ छत के ऊपर पहुँचाया। पर मॉर्फल तो पूरे वक्त हमारे साथ ही था। नहीं, उसी ने मुझे छत पर पहुँचाया और वो हंस रहा था ऐसे। ओ नहीं, लगता है वो मॉर्फल था। हमें उसे ढूंढना होगा। ये तुम क्या कर रहे हो मॉर्फल? क्या तुम कुछ बना रहे हो? अरे क्या कर रहे हो तुम? ये बिल्कुल भी फनी नहीं है मॉर्फल। पर अगर ये मॉर्फल है तो फिर वो कौन है? कौन जीत रहा है और असली मॉर्फल कौन है? हमें देखना होगा कि अब ऑर्फल मॉर्फल के रूप में ना बदले। क्रोमा, ऑर्फल को हरा पेंट कर दो। ऑर्फल हरा। अब इसके बाद ऑर्फल फिर से ना दिखे। चलो आज के दिन को जादुई बनाएं। मॉर्फल बदल जाओ मुझ में। अब ये पहन लो ताकि हम डैडी और अपने दोस्तों को प्रैंक कर सकें। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे हो। मॉर्फल मीला बन गया। तो तुम हो मिला, मैंने तुम्हें नीचे आते नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि मैं तो अभी यहाँ हूँ। तो तुम मॉफल हो गए है ना? हे मिला, क्या तुम और मॉर्फल मेरे साथ खेलोगे? मॉर्फल यहाँ नहीं है पर मिला खेलेगी। बढ़िया, चलो। हाय मीला। हाय। हम क्या खेलें मीला? तुम्हें तो बहुत सारे गेम्स पता हैं। पकड़ो पकड़ाई। हाँ ठीक है मीला, पहले तुम पकड़ो। पकड़ लिया। वाओ। वाह, एक मिनट, तुम मीला नहीं हो, तुम तो मॉर्फल हो। देखो मॉर्फल इनके साथ नहीं है तो हम इनके खिलौने चुरा सकते हैं। बढ़िया आइडिया है। हे, ये हमारा है। हुला हूप के लिए थैंक्स। उसे वापस दो। मीला। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सब क्या चल रहा है? मुझे नीचे उतारो।
यहाँ पर दो दो मिला है। वापस आओ। मॉर्फल, तुम्हें मैं बनकर मजा आया? हाँ, पर मॉर्फल को मॉर्फल बनना ही ज्यादा पसंद है। जादुई पेट के साथ हर दिन जादुई होता है। देखो मॉर्फल, ऐसे। मॉर्फल भी, मॉर्फल भी। परेशान मत हो मॉर्फल, तुम थोड़े वक्त में कर लोगे, पर तुम इसकी तरह अच्छे नहीं बन पाओगे। बोबा से मिलो, हमारा नया मैजिक पेट। बोबा को बबल्स बहुत पसंद है, ये काफी बबली हो जाता है। हाँ। वो, देखा, ये तो मजेदार लगता है। बोबा, ये काफी ऊंचा है। मैं बाहर नहीं निकल सकती। मॉर्फल, किसी बड़ी चीज में बदल जाओ। कचरे का ट्रक। अब मॉर्फल बचाओ मीला को। मीला? क्या है ये? ए, बचाओ, बचाओ मुझे। मॉर्फल बचाएगा। अरे नहीं, आसमान से एक गाड़ी गिर रही है। तो तुम यहाँ हो बोबा। सुनो, तुम हर जगह अपने मैजिक बबल्स ब्लो नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। देखो मॉर्फल, क्या तुम मेरे बबल को फोड़ सकते हो? थैंक यू मॉर्फल। मुझे लगा शायद मैं अपनी गाड़ी कभी नहीं देख पाऊंगा। समझे बोबा, अगली बार बबल करना हो तो थोड़ा लिमिट में करना, समझे? हाय मिला और मॉर्फल, लगता है मुझे फ्लू हो गया है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। हम आपकी मदद करें मिस्टर जो। मॉर्फल, इन गाड़ियों को मुझे उनके ओनर्स तक जल्दी पहुँचाना है, और मेरे पास ये एक लिस्ट। इसमें सारे ओनर्स के नाम तो मिट चुके हैं, पर शायद हम फिर भी पता लगा लेंगे। मॉर्फल, एक बड़े से लाल ट्रक में बदल जाओ। मेरे ख्याल से ट्रैक्टर को पुलिस ऑफिसर फ्रीज के पास होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर को ट्रैक्टर चाहिए? मेरे ख्याल से लिस्ट में तो यही लिखा है। ठीक है। हाँ? पर ये, माफ कीजिए पुलिस ऑफिसर फ्रीज, हम थोड़ी जल्दी में हैं। सॉरी, मुझे तुम दिखे नहीं। ये तो नामुमकिन है।
इतनी जल्दी नहीं। ओ नहीं, हमने कोई गलती की है मॉर्फल। तुम भी एक पुलिस कार में बदल जाओ। मॉर्फल पकड़ेगा उन्हें। अब चलो व्हीकल सही ओनर्स तक पहुंचा देते हैं। मुझे लगता है ये ट्रैक्टर है फायरमैन बॉब का। और आइसक्रीम ट्रक होगा जेराल्डो का। ये हे मिला और मॉफल, काम हो गया क्या? सब डिलीवर हो चुका है मिस्टर जो। बढ़िया, लिस्ट काम में आई थी? वो तारारा 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 तारारा। देखो मॉर्फ, हर चीज बेरंग हो गई है। मॉर्फ, एक बड़ा सा पेंट ब्रश बन जाओ। मॉर्फ, घास नीली नहीं हरी होती है। बढ़िया मॉर्फ। देख कर नहीं चल सकते, मेरी लाइट हरी थी। मेरी लाइट हरी थी, सफेद। आहा, तो तुम हो जो पूरे शहर से कलर चुरा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, बेरंग दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और एनिमल्स को थोड़ा फनी पेंट करते हैं। ये तो तुम यहाँ हो क्रोमा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। शहर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं तुम्हारे रंग चुराने की वजह से। सकता है सब कुछ वापस उनके ओरिजिनल कलर्स में रंगने के लिए। अब लगता है आप ही सही थी। जाइए, आप पहले जाइए। वाह, लगता है तुमने शहर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मॉर्फल और क्रोमा की टीम तो बहुत ही कमाल की है। कैसे हो छोटू? सोचकर हंसी आती है कि एक दिन तुम बड़े और डरावने बन जाओगे। ये जो जैपर हमने प्रोफेसर पाउला से चुराया है ना, हम जानवरों को इससे जायंट्स में बदल सकते हैं। एनिमल सैंक्चुअरी में हमें बहुत मजा आने वाला है मॉर्फ। ये मिला मॉर्फल, बैंडिट सारे एनिमल्स को जायंट्स में बदल रहे हैं। जल्दी से रोकना हो।
होगा। मॉर्फल, एक सुपर हीरो बन जाओ। मजा आ रहा है ना बाकी? वो डिवाइस हमें दे दो बैंडिट्स। वो तो हम नहीं देंगे। यौन ज़ैप कर दो इनको। ओ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हम वापस आते हैं। हाँ? बढ़िया, अब सब एनिमल्स को वापस बदल देते हैं। वो देखो, वो रहा पेंगुइन। बहुत अच्छा, पर हाँ, अरे नहीं, तुम तो बहुत छोटे हो गए हो। हाँ? पर तुम अब भी शानदार जानवर हो। हाय डैडी, देखिए मुझे। तुम दिख नहीं रही मिला। ऊपर देखिए। मॉर्फल और मिला हमारे सुपर हीरो। ऑर्फल भी खेलेगा। हाँ? ऑर्फल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑर्फल का सुपर सूट। ये! अब हम सब सुपर हीरोज बन सकते हैं। चलो आज का दिन मैजिकल बनाते हैं। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। एक रेस करते हैं। मॉर्फल रेस ऑर्फल। Morphle race, Morphle! जो पहले चोटी पर पहुंचा, वो जीत जाएगा। Ready? Set, go! Morphle, रुको, वो अरे नहीं, वो आगे पहुंच गए। छलांग मारते हैं, हाँ? बढ़िया। हाँ? क्या? और फिर वो सही नहीं था। बढ़िया मॉर्फो, मैंने पहले कभी इतना स्ट्रॉंग फील नहीं किया। मुझे एक शॉर्टकट पता है। इस तरफ मॉर्फो। हम जीतने वाले हैं ऑफल। हाँ? ऑफल, व्हील्स और जेट में मॉर्फ करो जिससे हम नदी को पार कर पाए। मॉर्फल, अपने विंग्स बनाओ जिससे हम चोटी के ऊपर पहुंच जाए। मॉर्फल, मॉर्फ, मॉर्फ। मॉर्फल बहुत थक गया। मॉर्फल भी थक गया। मिला जीत
मेरे ख्याल से टाई है ये। ये! ऑर्फल नहीं जीता। हम सब जीते। हार या जीत जरूरी नहीं है, खेल में मजा आना जरूरी है। हर दिन मैजिकल होता है अपने मैजिक पेट या पेट्स के साथ। ये लीजिए ऑर्डर के मुताबिक दो छोटे रोबोट्स। बहुत बढ़िया। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। थैंक यू, बाय बाय। हाँ? सब साथ लाए हो ना? बढ़िया। ओ देखो बैंडिट्स आ गए। देखो बैंडिट्स आ गए। नहीं। ओ मार्फल, विलो, बॉल कहाँ है? बॉल को छोड़ो, हम जा रहे हैं। अब मेरे साथ आओ। ठीक है। मार्फल, एक और गेम खेलना चाहोगे? नहीं। ठीक है, घर जाना चाहते हो? नहीं। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? नहीं। मार्फल, वो आइसक्रीम लेकर आओ। मिला, पैसे नहीं देने। मिला। मार्फल, तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। तुम मॉर्फ भी नहीं कर रहे। नहीं। सिर्फ कह रहे हो नहीं नहीं नहीं। डैडी, मार्फल अजीब बिहेव कर रहा है। देखो मिला, ऐसे बात नहीं करते। सुनो मार्फल, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगे? नहीं। आइसक्रीम मना कर दी? कुछ तो गड़बड़ है। क्या? हाँ? देखा, ये मार्फल असली नहीं है। वो बैंडिट्स। मार्फल, अब वो बॉल ले आओ। हा हा हा। हे! डैडी, वहाँ देखिए। अरे नहीं, ये तो मिला के डैडी हैं। हे मिला, क्या कर रही हो? लड़कियों का खेल डैडी। मार्फल, मैं यहाँ हूँ। ओ ठीक है, तो खेलो तुम। बाय बाय मिला। बाय डैडी। अब आएगा और मजा। मार्फल, दीवार पेंट करो। नहीं। बन जाओ एक पुलिस कार। नहीं। एक फायर ट्रक। नहीं। एक हाथी बन जाओ। नहीं। मिला, मार्फल केयर गिवर फोन पे था, उसे चिड़ियाघर में तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है डैडी। मार्फल, एक उड़ता हुआ घर बन जाओ। मिला, मार्फल, क्या बात है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम और मार्फल इन पेंगुइन, ऊंट और बंदर को अपने घर पहुंचा सकते हो? जरूर। बढ़िया। हम सब मार्फल द फ्लाइंग हाउस में उड़ सकते हैं। डेजर्ट गर्म और सूखा है, मुझे लगता है ऊंट यहाँ पर सही रहेगा। मार्फल देखो, ये तो ड्रैगन है। ये हमारे साथ आना चाहता है। हम इसके लिए एक नया घर ढूंढ सकते हैं, है ना मार्फल? ये! साउथ पोल पेंगुइन के लिए तो परफेक्ट है, पर एक ड्रैगन के लिए तो यहाँ बहुत ठंड है। चलो कहीं और चलते हैं। रेन फॉरेस्ट एक बंदर के लिए परफेक्ट जगह होती है। पर
रेन फॉरेस्ट ड्रैगन के लिए बहुत ही गीला होगा। ड्रैगन के लिए घर ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर हम हार नहीं मानेंगे। देखो मॉर्फो, एक वोल्केनो। ये परफेक्ट जगह है ड्रैगन के लिए। ठीक है ड्रैगन, तुम काफी खुश दिख रहे हो अपने नए घर में। अब मॉर्फल और मेरे घर जाने का वक्त हो गया। बाय बाय। ड्रैगन, मुझे अब समझ आया, तुम एक मैजिक पेट हो। मैजिक पेट्स चाहे दुनिया में कहीं पर भी हो, पर उन्हें हमेशा अपने ह्यूमन दोस्त की जरूरत होती है। पर मेरे पास एक मैजिक पेट पहले से है, मॉर्फल। पर मुझे पता है कि कौन तुम्हारा अच्छा ह्यूमन दोस्त बन सकता है। मैजिक पेट सेंटर में हम तुरंत तुम्हें एक मैजिक मैच दिलवा देंगे। मुझे अब जाके कुछ काम करना है मॉर्फो। मैं भी आऊं? सॉरी, ये एक सीक्रेट है, तो तुम यहीं पर रहो। कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बाय बाय मॉर्फो। क्या हुआ मॉर्फल? मीला कहाँ गई? पता नहीं, पर मुझे यकीन है वो जल्दी ही आ जाएगी। मॉर्फल, अरे नहीं, क्या हुआ? मीला यहाँ है? यहाँ तो नहीं है, सॉरी। क्या? ओह, मीला यहाँ नहीं है। मुझे नीचे उतारो मॉर्फल। वाओ! मीला को देखा? नहीं मॉर्फल, वो यहाँ नहीं है। मीला को देखा? नहीं मॉर्फल, मुझे पक्का यकीन है वो आसपास ही होगी। मीला कहाँ है? मॉर्फल रो रहा है, मेरे शहर में नहीं। चलो अब मॉर्फल, अपने आंसू पोछो, मीला घर पर इंतजार कर रही है। इतनी जल्दी नहीं मॉर्फल, तुमने बैकयार्ड तो देखा ही नहीं। सरप्राइज! तुम इतने अच्छे मैजिक पेट हो कि हम तुम्हें एक पार्टी देना चाहते थे, थैंक यू बोलने के लिए। हर रोज मैजिकल होता है एक मैजिक पेट और अच्छे दोस्तों के साथ। मैं एक खतरनाक पायरेट हूँ, मुझे अपना सारा खजाना दे दो। मैं एक बड़ा डायनासोर हूँ, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। वाह, तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स कितने अच्छे हैं। ओह, तुम क्या पहन कर आई हो मीला?
मैंने एक जादुई टी शर्ट पहनी है। मॉर्फल से मिलो। वाओ! मॉर्फल, चलो उड़े। मॉर्फल, कॉस्ट्यूम्स के बॉक्स को खोलो। मॉर्फल, और हाथ बनाओ। अरे नहीं, यहाँ पर दो चोर आए थे, वो मेरे कपड़े चुरा ले गए। कोई बात नहीं डैडी, हमारे पास कॉस्ट्यूम्स के बॉक्स में बहुत सारे कपड़े हैं, तो चलो देखते हैं डैड पर कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे। आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं डैडी। अरे यहाँ भी, ये तो वही बदमाश चोर हैं। इस बार तो पुलिस अफसर के कपड़े चुरा रहे हैं। हम कोई ऐसे वैसे चोर नहीं हैं, अब हम स्टाइलिश चोर बन गए हैं। हाँ, हम इस शहर से सारे कपड़े चुरा लेंगे, संभल जाओ। कॉस्ट्यूम, सही कहा, हमें पुलिस ऑफिसर को भी एक कॉस्ट्यूम देना होगा। ये लीजिए मिस्टर पुलिस ऑफिसर। शुक्रिया, अब स्टाइलिश चोरों को पकड़ने की बारी, हमें उन्हें कपड़े चुराने से रोकना होगा। उनका पीछा करो मॉर्फल। तुम हमें नहीं रोक सकते, हम इस शहर के सारे कपड़े चुरा लेंगे। ये क्या, हेलीकॉप्टर गिर रहा है। मॉर्फल, अपने ताकतवर हाथों से उसे पकड़ो। कहाँ गए वो दोनों, मैं उन्हें पकड़ के ही रहूंगा। ये लीजिए मिस्टर मेयर, हमारे पास आपके लिए भी एक कॉस्ट्यूम है। शुक्रिया मेला, अब जाओ और उन चोरों को रंगे हाथों पकड़ो, इस शहर को तुम्हारी जरूरत है। एक चोर मिल गया, अभी पकड़ता हूँ। अब हमें ही उन्हें पकड़ना होगा। मॉर्फल, अपने विंग्स यूज करो। कोई फायदा नहीं, वो दोनों बहुत तेज जा रहे हैं। बहुत ज्यादा। पर हम हार नहीं मानेंगे, इस शहर को हम ही बचाएंगे। तुम हमें कभी भी नहीं पकड़ सकते, और अब हमारे पास तुम्हारा प्यारा लाल दोस्त है। आप कितने बुद्धू हो। मॉर्फल, पहले अपनी ताकत दिखाओ। मॉर्फल, अब उन्हें उड़ के दिखाओ। चलो अब इन्हें सही जगह ले जाते हैं। शुक्रिया मीला और मॉर्फल, तुमने इन बदमाशों को पकड़कर इस शहर में सबके कपड़े लौटा दिए। मेयर तुम्हें मेडल जरूर देंगे। वैसे मेयर कहाँ है? Thank you.
मैकेनिक जो, यहाँ पर क्या हुआ? मैं सिर्फ इस गाड़ी को चला रहा था, पर पता नहीं ये अचानक ही बंद हो गई। मॉर्फ, तुम एक बुलडोजर बन जाओ। ओहो, मॉफल भी इस गाड़ी को नहीं हिला पा रहा। कैसे हिलाओगे? हमने उसे दुनिया के सबसे ताकतवर गम से चिपकाया है जो हमने डॉक्टर रशीद से चुराया है। ओ, ये क्या? ये चोर यहाँ कैसे आ गए? अब हम कोई मामूली चोर नहीं रहे, हम बन गए हैं ताकतवर गम चोर। अब जब हमारे पास दुनिया का सबसे ताकतवर गम है, हम अपनी मिट्टी फैलाने वाली मशीन को ठीक करके उसे गम मशीन बना सकते हैं और पूरे शहर में गम की बाढ़ ला सकते हैं। क्यों? मेरे शहर में ये नहीं चलेगा, वहीं रुक जाओ बदमाशों। अरे ये क्या हो गया? लगता है उन्होंने मॉर्फल को भी चिपका दिया। ये दवाई सब कुछ ठीक कर देगी, ये इस ताकतवर गम को कम करने से रोकता है। ये मेरे लैब में मेरे पास और दवाई है, पर इसको हर जगह में कैसे पहुंचाऊं? ओह, एक आइडिया है। मॉर्फल एक फायर ट्रक बनकर हर चिपकी हुई चीज पर दवाई स्प्रे कर सकता है ना? सब कुछ तैयार हो चुका है, चलो अब शहर को बचाने चलें। इन्होंने गम मशीन को दुनिया के सबसे ताकतवर गम से ही चिपकाया है, दवाई लगते ही ये फिर से टूट जाएगा।
थैंक यू मॉफल, मीला और प्रोफेसर रशीद। अब मैं इन चोरों को पुलिस थाने में संभाल लूंगा। वो बच्चे कितना शोर मचाते हैं। क्या वो मॉर्फल? क्या तुम मीला और मॉर्फल को चिढ़ाने में मेरी मदद करोगे? हाँ। जाओ मॉर्फल। हाँ? ये तो ऑफुल है। मैं समझ गई यहाँ क्या हो रहा है। सुनो मॉर्फल, मेरे पास एक आइडिया है। देखो मॉर्फल, तुम उनके रेत के महल पर कूद जाओ। हाँ। अरे छोड़ो। मैं जानती हूँ कि मिस्टर वैंडरबूस के साथ मिलकर तुम हमें चिढ़ा रहे हो, पर क्यों ना आज तुम और हम मिलकर उन्हें चिढ़ाएं? हाय मिस्टर वैंडरबूस। हाय मीला। इतना शोर मचाने के लिए सॉरी मिस्टर वैंडरबूस, हम अब से कभी शोर नहीं मचाएंगे। कोई बात नहीं मीला, चलो मैं अपना काम खत्म करता हूँ। अब इसे क्या हुआ? मैं तो पूरा भीग गया। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या ये यहाँ कैसे आया? नहीं, और मत बढ़ो, अब मेरा आंगन जंगल बन गया है। एक शेर, लगता है मैं सच में जंगल में हूँ। नहीं, आपने मुझे हरा दिया मिस्टर अर्जुन। मिस्टर अर्जुन भेजे दे, मिस्टर अर्जुन है एक सुपरहीरो। ओह, काश मैं भी एक असली सुपरहीरो होती। ठीक है, मीला है सुपरहीरो। मेरे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है मेरे भोले मॉर्फल। मेरे पास है, मीला बन गई सुपरहीरो। वाह, शुक्रिया मॉर्फल। अरे
अरे ये क्या? रुक जाओ बेला। सुपर हीरो मीला आपकी बेला को वापस लाएगी। डरो मत बेला, मैं हूँ मीला और ये है मॉफल। ओ, तुमने तो इसे ढूंढ लिया, बहुत बहुत शुक्रिया मीला हमारी सुपर हीरो। रुको, कहाँ जा रहे हो? ओ, तुमने तो इसे ढूंढ लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हीरो मीला आपके ट्रक को रोक कर रहेगी, आप चिंता छोड़ दीजिए। शुक्रिया मीला। मीला बिल्ली को बचाओ। हाँ। हमने आइसक्रीम ट्रक को अब नहीं रोका है मॉफो। ओह, तुमने मेरी आइसक्रीम ट्रक को रोक लिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुपर हीरो मीला। शुक्रिया मत कहिए सर, ये तो मेरा काम है। मीला देखो, बस एक बार और मारो। ठीक है स्टाइल। यहाँ से निकलना होगा, पर हम फंस गए हैं। ये बहुत भारी है। शुक्रिया सुपर हीरो मीला। ये तो मेरा काम है, पर आप जानते हैं मेरा एक और काम क्या है? नहीं, हमको भी बताओ। चोरों को जेल में डालना। ये देखो मेरा नया आविष्कार, किसी भी इंसान को टेडी बेयर में बदल सकता है ये। वाह, मैं कितनी गर्म हूँ। मुझे मजा आ रहा है। मॉर्फल टेडी बेयर मीला के साथ खेलेगा। बाय प्रोफेसर रशीद। बाय मीला और मॉर्फल। चलो अब इंसान बनने का समय आ गया। अरे नहीं, हाथों के बिना मैं मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या तुमने वो सुना यॉर्न? हाँ, और मुझे टेडी बेयर बहुत पसंद है। चुप हो जाओ यॉर्न। बड़ी मुसीबत हो गई। ओ मीला टेडी बेयर, सबसे अच्छी टेडी बेयर। बदमाश, और उनके पास टेडी बेयर वाली मशीन है। ये क्या चल रहा है? हमें उन्हें रोकना होगा मॉर्फल, तुम जल्दी से एक तेज चीता बन जाओ। हाँ? मैं बिना हाथों
हाथों की तुम्हारी पीठ नहीं पकड़ सकती। क्या तुम मुझे अपनी पूंछ से पकड़ सकते हो? बढ़िया, चलो चले। अरे नहीं, आज मुझे घूमने जाना था। वो क्यों ना तुम मुझे कुछ समय सवारी दो। मेरे शहर में बदमाश। कीजिए ऑफिसर फ्रीज, हम उन्हें जरूर रोक लेंगे। अरे नहीं, पीछे देखो स्टाइन। अब तुम्हारा टेडी बेयर बनने का समय आ गया है मॉर्फल। मशीन सिर्फ इंसानों पर ही काम करती है। ये क्या? अब मैं टेडी बेयर बन गया। ओ, तुम सबसे प्यारे टेडी बेयर हो। अरे वाह, चलो अब मशीन से सबको फिर ठीक कर दें। पर सबसे पहले ऑफिसर फ्रीज को। हाँ, ये ठीक है, पर तुम्हारे लिए नहीं। ओ, चलो कम से कम जेल में मेरे पास ये नर्म प्यारा टेडी रहेगा। अरे नहीं, उन्होंने मेरी चिप को गाड़ी चुरा ली। गाड़ी को चमका दिया पुलिस ऑफिसर फ्रीज। हाँ बिल्कुल, आज दो पुलिस कमिश्नर ये जांचने आएंगे कि पुलिस अफसर होने के नाते मैं अपना काम कैसे करता हूँ। आज हर एक चीज सही होनी चाहिए। ए
ऐसी बात है तो हम खेलने जाते हैं। गुड लक, बाय बाय। शुक्रिया बच्चों। तुमने अपनी ऑफिशियल सफाई वाली टोपी क्यों नहीं पहनी? सफाई टोपी नहीं पहनी? सफाई टोपी? माफ करिएगा, आप दोनों कमिश्नर होंगे, आपका स्वागत है। एक अच्छे पुलिस ऑफिसर को सारे कानून पता होते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे सारे कानून पता है सर। वो तो मैं देख ही लूंगा। अरे सिग्नल पर लाल बत्ती है। तुम गाते क्यों नहीं? गाना गाओ? अगर पुलिस वाला लाल बत्ती पर रुके तो उसे गाना पड़ता है। मेरी तरफ देखो, मैं कितना खुश नसीब हूँ। कोई फायदा नहीं, मैं ये भी नहीं जानता था। काम के समय तुम नहीं खा सकते। कितनी सारी गलतियाँ। अफसोस की बात है कि हमें आपको जेल में ले जाना पड़ेगा। वो ऑफिसर फ्रीज को अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? जल्दी एक रेस कार बन जाओ। हाय मिला और मॉफल, आप जेल में क्यों हैं? मुझे आज ही पता चला कि मुझे बहुत कानून नहीं पता। मैं पुलिस ऑफिसर बनने के लायक नहीं हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, हमें इसकी जड़ तक जाना होगा मॉर्फो। पार्क में टोपी नहीं पहन सकते। जल्दी से झाड़ी बन जाओ। चादर पर पिकनिक नहीं मना सकते, ना इस पेड़ के नीचे और ना खाने के साथ। पीटर फ्रीज को फंसाकर हम कुछ भी कर सकते हैं यॉर्न। हाँ सही कहा। बदमाश। तो उन दोनों ने नए कानून बनाए हैं, चलो अब इन्हें सबक सिखाएं। अरे माफ कीजिए। अरे माफी तो तुम तब मानोगे जब कहाँ गया? एक मिनट, नहीं नहीं वो नहीं, वो नहीं, वो रहा। हाँ ये मिल गया। हाँ, जब कोई आदमी किसी पुलिस कमिश्नर से टकराता है तो पुलिस कमिश्नर को आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, चलो चले यॉन। आगे बढ़कर उन्हें अपने लूटे हुए सामान को पुलिस चौकी के सामने रखकर अंदर जाना चाहिए। फिर उन्हें अपनी नकली मूंछों को निकाल कर चिल्लाना चाहिए कि हम दोनों बदमाश हैं। रुको, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लगती है। कोई गड़बड़ नहीं है, अब तुम जेल में चलो। कहते हैं जंगलों में एक राक्षस छुपा हुआ है, पहले तुम सुनोगे गुर्राहट, फिर तुम्हें डरावनी परछाई दिखाई देगी, और फिर वो राक्षस आएगा और तुम्हें खा जाएगा। ओ अप्रैल, तुम डरावनी कहानियाँ कितने अच्छे से सुनाती हो। वो कहानी सच्ची हो ही नहीं सकती, राक्षस असली नहीं होते। ना ये सच है, सारा ने मुझे खुद बताया। और सेहरा को ये कैसे पता चला? एक मिनट सब चुप हो जाओ, क्या तुमने वो सुना? वो राक्षस ही है। नहीं नहीं, ये हवा की आवाज थी। शायद
अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम खुद जाकर देखाओ। ठीक है, मैं डरता वरता नहीं। वो आवाज इसी तरफ से आई थी, है ना? वहाँ उन झाड़ियों में। तुम जाकर देखो ना। हाँ ठीक है। हाँ, वो कोई राक्षस नहीं है, वो तो खरगोश है। मुझे तो पता था, मैं तो बस तुम लोगों को डरा रहा था। क्यों नहीं, पर हमें अब तक नहीं पता वो डरावनी आवाज कहाँ से आई थी। क्या तुमने वो परछाई देखी? हो सकता है वो भी एक खरगोश ही हो, है ना? मुझे नहीं लगता कोई खरगोश इतना बड़ा होगा। फिर से मैं ही क्यों? तुम ही कह रहे थे ना सिर्फ हवा है ना? जाओ देखो, परछाई उस तरफ गई। तुम ये कर सकते हो ट्रॉय। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। मुझे तो यहाँ कोई राक्षस नहीं दिख रहा। मुझे भी नहीं, पर हम अब भी नहीं जानते कि वो डरावनी आवाज कहाँ से आई। अब मान भी लो कि राक्षस असली नहीं होते। ओह ट्रॉय, अपने पीछे देखो। मैंने कहा ना कि असल में राक्षस। राक्षस सच में है, जल्दी भागो। ऑर्फल, तुम ऑर्फल नहीं? एक मिनट, मतलब ऑर्फल ही राक्षस है? मतलब यहाँ पर कोई राक्षस नहीं है? ऑर्फल ने ऐसा क्यों किया? ये गलत बात है। चलो अब उस ऑर्फल को डराते हैं। Bye-bye! तो गाड़ी को चमका दिया पुलिस ऑफिसर फ्रीज। हाँ बिल्कुल, आज दो पुलिस कमिश्नर ये जांचने आएंगे कि पुलिस अफसर होने के नाते मैं अपना काम कैसे करता हूँ। आज हर एक चीज सही होनी चाहिए। ऐसी बात है तो हम खेलने जाते हैं। गुड लक, बाय बाय। शुक्रिया बच्चों। तुमने अपनी ऑफिशियल सफाई वाली टोपी क्यों नहीं पहनी? सफाई टोपी नहीं पहनी? सफाई टोपी? माफ करिएगा, आप दोनों कमिश्नर होंगे, आपका स्वागत है। एक अच्छे पुलिस ऑफिसर को सारे कानून पता होते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे सारे कानून पता है सर। वो तो मैं देख ही लूंगा। अरे सिग्नल पर लाल बत्ती है। तुम गाते क्यों नहीं? गाना गाओ। अगर पुलिस वाला लाल बत्ती पर रुके तो उसे गाना पड़ता है। मेरी तरफ देखो, मैं कितना खुश नसीब हूँ। कोई फायदा नहीं, मैं ये भी नहीं जानता था। काम के समय तुम नहीं खा सकते। कितनी सारी गलतियाँ। अफसोस की बात है कि हमें आपको जेल में ले जाना पड़ेगा।
वो ऑफिसर फ्रीज को अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? जल्दी एक रेस कार बन जाओ। हाय मिला और मॉफल, आप जेल में क्यों हैं? मुझे आज ही पता चला कि मुझे बहुत कानून नहीं पता। मैं पुलिस ऑफिसर बनने के लायक नहीं हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, हमें इसकी जड़ तक जाना होगा मॉर्फल। पार्क में टोपी नहीं पहन सकते। जल्दी से झाड़ी बन जाओ। चादर पर पिकनिक नहीं मना सकते, ना इस पेड़ के नीचे और ना खाने के साथ। पीटर फ्रीज को फंसा कर हम कुछ भी कर सकते हैं यॉर्न। हाँ सही कहा। बदमाश। तो उन दोनों ने नए कानून बनाए हैं, चलो अब इन्हें सबक सिखाएं। अरे माफ कीजिए। अरे माफी तो तुम तब मानोगे जब कहाँ गया? एक मिनट, मिल गया। हाँ, जब कोई आदमी किसी पुलिस कमिश्नर से टकराता है तो पुलिस कमिश्नर को आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, चलो चले यॉन। आगे बढ़कर उन्हें अपने लूटे हुए सामान को पुलिस चौकी के सामने रखकर अंदर जाना चाहिए। फिर उन्हें अपनी नकली मूंछों को निकाल कर चिल्लाना चाहिए कि हम दोनों बदमाश हैं। रुको, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लगती है। कोई गड़बड़ नहीं है, अब तुम जेल में चलो। मुझे कॉस्ट्यूम पहनना बहुत पसंद है मॉर्फल, एक सिपाही के कवच बन जाओ। अर, मैं एक डाकू हूँ। मैं जादूगरनी हूँ। मैं ड्रैगन हूँ। तुम्हारे कॉस्ट्यूम बड़े अच्छे हैं, पर ध्यान रहे कि जब मैं बाहर हूँ घर साफ रहे। मैंने अभी सफाई की है। जी डैडी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मजे करना। मैं एक सिपाही हूँ, मैं अपने राज्य के लोगों की रक्षा करती हूँ। सिपाही मिला, मदद कीजिए, हमारे नाव के पास समुद्री डाकू आए हैं। अरे नहीं, हम जरूर मदद करेंगे, चलो उस डाकू को पकड़े मॉर्फो। मेरा नाम है डाकू अप्रैल, मैं दुनिया की सबसे डरावनी डाकू हूँ। तुम वहीं के वहीं रुक जाओ डाकू, मैं हूँ सिपाही मीला और मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूँगी। पहले पकड़ के तो दिखाओ। अरे नहीं मॉर्फल, जल्दी से एक तलवार बन जाओ। सिपाही मिला, पर मेरे लिए एक जहाज तैयार है। ये क्या? और जहाज में तोप भी है। संभल कर मॉर्फल, चलो उसके पीछे चले। मॉर्फल मेरे कवच पर जल्दी से रॉकेट्स लगाओ। तुम्हें पकड़ लिया समुद्री डाकू। रोर! मैं एक ड्रैगन हूँ और अब मैं
मैं तुम्हारे जहाज को जला दूंगा। मॉर्फल, जल्दी से अपनी तलवार को ढाल बनाओ। एक उड़ने वाला तोप। डाकू, चलो उस ड्रैगन को मिलकर पकड़ें। बिल्कुल, मैं उस पर पानी के गुब्बारे फेंकूंगी। क्या तुम मुझे भूल गई? अरे नहीं, ये तो जादूगरनी है। मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी हूँ। हमें उसे रोकना होगा। हाँ बिल्कुल, अभी के अभी। मिलकर काम करना होगा। पर कैसे? मेरे पास एक तरकीब है। तुमने दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी को हरा दिया। ये क्या है? मीला और मार्बल, मैंने कहा था कि मैंने थोड़ी देर पहले ही सफाई की है। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ डैडी? मार्बल अपने आप को किसी भी औजार में बदल सकता है। मेरा काम आसान हो जाएगा। हाँ, इस शेड को अकेले बनाना आसान नहीं है। मार्बल, तुम एक हथौड़ा बन जाओ। वाह, अच्छा काम किया मॉर्फल। पर ये थोड़ा सा छोटा है। कोई बात नहीं, हम और बड़ा बना सकते हैं, है ना मॉर्फल? ठीक है, तो मैं अंदर के दीवारों को पेंट करता हूँ। हाँ, ये एकदम सही है। चलो कुछ देर आराम करते हैं। क्यों ना हम एक और माला बनाएं मॉर्फल? डैड को काम और सामान के लिए और जगह मिलेगी। हम एक शेड बना रहे हैं, वो भी दुनिया का सबसे अच्छा शेड। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा शेड बनाना है तो तुम्हें स्लाइड भी बनाना होगा और एक बालकनी भी। तुमने सही कहा। रखवाली के लिए एक बड़ा टॉवर ताकि हम चोरों को पकड़ सकें। झूलने के लिए झूला भी। और खेलने के लिए एक कमरा भी। मुझे लगता है ये और भी लंबा होना चाहिए। पर हमने सारी लकड़ी खत्म कर दी है, और लकड़ियाँ लानी पड़ेंगी। मॉर्फल, तुम एक बड़े से ट्रक बन जाओ। मॉर्फल, लकड़ी काटने की मशीन बनकर उन पेड़ों को काटो।
ले जाएं। चलो मॉर्फ, तुम इस शेड को जितना ऊंचा बना सकते हो उतना बनाओ। शेड है। अब भी इसमें किसी चीज की कमी है। ये क्या हो रहा है? डैडी, आपको हमारा नया शेड कैसा लगा? मुझे यहाँ से नीचे उतारो। अच्छा, तो ये कमी थी। हम सीढ़ी बनाना तो भूल ही गए। आप वहीं रुकिए डैडी, हम अभी आते हैं। मॉर्फ, चलो हम और लकड़ियाँ ले आए। नहीं, मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ो। मीला, मॉर्फ, क्या तुम यहीं हो? देखो मॉर्फ, यहाँ हर जगह डायनासोर्स हैं। हाय मीला और मॉर्फल, तुम्हें हमारा नया डायनासोर का मैदान कैसा लगा? डायनासोर का मैदान? हाँ, प्रोफेसर रशीद और मैंने इन डायनासोर्स को हमारे समय में लाया, क्योंकि सबको डायनासोर्स पसंद हैं, है कि नहीं छुटकू? हाँ बिल्कुल। क्या ये खतरनाक नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये खतरनाक नहीं है, ये इंसानों को नहीं खाते। चलो अच्छी बात है। हाँ, बस इस टी-रेक्स से दूर रहना। ये ठीक नहीं लग रहा। फिक्र मत करो, ये दुनिया का सबसे मजबूत पिंजरा है, बस इस लीवर को मत छूना वरना दरवाजा खुल जाएगा ऐसे। हाँ, ये लीवर अटक गया। सबके सब भागो। जल्दी मॉर्फल, तुम भी एक टी-रेक्स बन जाओ। अपने समय में जाओ। मीला, दो डायनासोर हमारे शहर में आ चुके हैं, अगर तुम उन्हें पकड़ के ले आओ तो मैं उन्हें भी उनके समय में भेज दूंगा। हाँ ठीक है, चलो मॉर्फल, जल्दी से एक हेलीकॉप्टर बन जाओ। अरे रुक जाओ, ये कोई पेड़ नहीं है। लगता है उसे भूख लगी है, चलो उसे चारा खिलाने के बहाने से वापस ले जाएं। तुम एक रोबोट बन जाओ। उस पेड़ को उठा लो मॉर्फ। हाँ, मैदान के बाहर से इतनी आवाज क्यों आ रही है? गाड़ी के सामने से हटो। अरे नहीं, वो ताकतवर है, पर तुम जितना नहीं मॉर्फल। जल्दी से बुलडोजर बन जाओ। पीछे देखो। तुम उसे उठा लेना मॉर्फ। शुक्रिया मीला और मॉर्फल, तुम्हारे बिना आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। हाँ बहुत अच्छा काम किया,
पर अब हम इस मैदान का क्या करेंगे? बिना डायनासोर के ये जगह बड़ी खाली लग रही है। वैसे क्यों ना हम यहाँ पिकनिक का इंतजाम करें? हाँ, एक पिकनिक डायनासोर्स के साथ। हाय मेरे दोस्तों, क्या आप हमारे साथ समय के पीछे जाने के लिए तैयार हैं? हम सब मिलकर डायनासोर के जमाने में जाएंगे। डायनासोर! वहाँ पर अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स होंगे और हम उन सब की जांच करेंगे। वो उड़ते भी हैं। हम पहुंच गए डायनासोर्स के जमाने में। देखो। ओह नहीं, वो तो वेलोसिराप्टर्स हैं। वेलोसिराप्टर्स छोटे पर खतरनाक डायनासोर हैं। ओह, बाल बाल बच्चे। ओह, गड़बड़ हो जाती। शुक्रिया मॉफल। मॉफल, जल्दी से एक गैलीमाइमस बन जाओ। वाओ! गैलीमाइमस दूसरे डायनासोर से काफी तेज दौड़ता है। बहुत अच्छे मॉर्फल। वहां पर देखो, उनका नाम अर्जेंटिनोसॉरस है। वो बहुत बड़े हैं, पर सिर्फ पौधे और पेड़ खाते हैं। अरे नहीं, हमें उस अंडे को बचाना होगा मॉर्फो। तुम अब एक टेरेनोडॉन बन जाओ। दिखाया मॉर्फो, अब हमें इस अंडे की माँ को ढूंढना होगा। ये किसी अर्जेंटिनोसॉरस के अंडे जैसा नहीं लग रहा। नहीं, देखिए, अर्जेंटिनोसॉरस के अंडे वैसे दिखते हैं। चलो खोज जारी रखो। एक ट्राइसेरोटॉप्स। ट्राइसेरोटॉप्स के सिर पर तीन नुकीले सींग होते हैं। ओह, वो कितना प्यारा है। पर देखो, हमारा अंडा उनके अंडों से अलग है, है ना? तो ये अंडा ट्राइसेरोटॉप्स का अंडा नहीं है, मजेदार है। अरे, एक असली टेरानोडॉन, और वो हमें अपने अंडों से दूर करना चाहती है। और देखिए, हमारा अंडा टेरानोडॉन के अंडों जैसा नहीं दिख रहा है। चलो जल्दी से उड़ चलें। वो दोनों अंकिलोसॉरसस हैं। वो अपनी पूंछ से किसी भी चीज को बड़ी जोर से मार सकते हैं। पर उस टूटे हुए अंडे को देखो, हमारा अंडा उससे भी अलग है। हाँ, डायनासोर के जमाने में मगरमच्छ कैसे हो सकते हैं? मगरमच्छ लाखों सालों से धरती पर जी रहे हैं और वो डायनासोर के जमाने में भी जिंदा थे। वाह, पर देखिए, हमारा अंडा मगरमच्छ के अंडों से भी अलग दिख रहा है। ओह, शायद हम इस अंडे की माँ को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वाह, एक स्पाइनल
खाना चाहती है। भागो। मॉर्फो, तुम एक टी-रेक्स बन जाओ। एक स्पाइनोसॉर टी-रेक्स से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। नहीं लगता कि उसे हमें खाना है, पर फिर उसे क्या चाहिए? समझ गई, उसे ये अंडा चाहिए। ये स्पाइनोसॉर इस अंडे की माँ है। ओ, हम बच गए। तुमने अच्छा काम किया मिला। अरे अरे संभल कर मॉर्फल, टेलीफॉक्स को जादुई जानवरों की सर्दी हुई है तो तुम्हें कुछ समय तक दूर ही रहना होगा। बचाओ! क्या आपको सर्दी नहीं होगी? ये बीमारी सिर्फ जादुई जानवरों को होती है। मैं और टेलीफॉक्स घर पर रहेंगे ही ताकि दूसरे जादुई जानवर बीमार ना हो। कैसे? चिंता मत करो, हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं, है ना टेलीफॉक्स? देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ? लगता है क्रोमा को भी जादुई जानवरों की सर्दी है। दूरी बनाए रखना मॉर्फो। हाय मिस्टर पेंटर। हाय क्रोमा, शायद तुम्हें भी जादुई जानवरों की सर्दी हुई है। अच्छा तो ये बात है, क्रोमा तब से छींक रही है जब से उसके सामने एक बड़ा बुलबुला फूटा है। जब तक तुम ठीक ना हो जाओ तुम्हें घर पर ही रहना होगा ताकि दूसरे जादुई जानवर बीमार ना हो जाएं। हम घर पे भी खेल सकते हैं। सोचो हम कितनी तस्वीरें बनाएंगे। मिलो, देखो, एक बड़ा बुलबुला। चलो पता करें वो कहां से आया। वाओ! लॉरेंस, आपको अनिमी को घर ले जाना चाहिए। उसे जादुई जानवरों की सर्दी हुई है। अरे नहीं, ये जरूर उस बड़े बुलबुले की वजह से बीमार हुई है। चलो तुम्हें घर जाके तुम्हारी देखभाल करूं अनिमी। और बुलबुले, चलो पता करें ये कहां से आ रहे हैं मॉर्फो। देखो मॉर्फो, वहाँ बोबा है। बोबा के बुलबुले। बोबा, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। मुझे लगता है बोबा को घर नहीं जाना। चलो उसका पीछा करें मॉर्फो। मॉर्फो ठीक है, मॉर्फो को कुछ भी। छू! ओ, क्या तुम अब भी उसका पीछा कर सकते हो मॉर्फो? हाँ। अच्छा। अच्छा। बस पहुंचने वाले हैं। अच्छा।
तुम्हें पकड़ ही लिया। तुम्हें घर जाना होगा बोबा। अगर तुम बीमार होकर बाहर खेलोगे तो दूसरे जादुई जानवरों को बीमार कर दोगे। मॉर्फो को ही देख लो। अच्छा। और हम घर पर रहकर भी खेल सकते हैं, है ना मॉर्फो? हाँ। देखा बोबा, घर पर खेलने में भी मजा आता है। अच्छू। शायद केनेथ को डॉक्टर की जरूरत है। मॉर्फल, जल्दी से एक एम्बुलेंस बन जाओ। हम आपको अभी हॉस्पिटल पहुंचा देंगे ज़ूकीपर केनेथ। ओह, शुक्रिया मिला। ये क्या हो गया? लगता है बहुत ज्यादा चोट आई है तुम्हें। चलो जल्दी मेरे साथ आओ। ये सैंडविच खराब हो चुका है। आप ठीक तो है ना मिस्टर मेयर? हाँ, ठीक तो हूँ, पर ओह, ठीक नहीं हूँ। चलो इन्हें भी डॉक्टर के पास ले चलते हैं मॉर्फल। एक बार फिर से एम्बुलेंस बन जाओ। केनेथ को बहुत आराम की जरूरत है, इसलिए गाड़ी जरा संभल कर चलाना, ठीक है? अगर मैं गलत नहीं हूँ, मिर्ची ज्यादा खा ली है ना? सैंडविच खराब था। चलिए अंदर, अभी ठीक हो जाएंगे आप। लोग छुप जाओ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। बहुत आसान था। मुझसे रहा नहीं गया, मुझे खुजली हो रही है। माफ़, मुझे लगता है तुम्हें फिर से एम्बुलेंस बनना पड़ेगा। ठीक है। और अब से प्लीज कुछ भी खाते हुए जरा ध्यान रखिएगा। ये लो, कोई और आ गया। आज कुछ ज्यादा ही पेशेंट आ रहे हैं। सच में बहुत खुजली हो रही है। देख रहा हूँ, लगता है किसी चीज से एलर्जी हुई है तुम्हें। मेरे साथ आओ, इसके लिए मेरे पास एक क्रीम है। लगता है दूसरों की मदद करने वाले को खुद की मदद की जरूरत पड़ गई। अब ठीक लग रहा है? हाँ। जब तक ज़ू की मरम्मत हो रही है, इन डरावने जानवरों की देखभाल करने के लिए शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं केनेथ, एक बार पहचान हो जाए तो वो इतने डरावने नहीं लगते। मॉर्फल, तुम
बड़े से ट्रक बन जाओ। देखा, इन्होंने इस जगह को अपना लिया। क्या ये लोग पूरी तरह से पागल हो गए? बल्कि इतने डरावने जानवर ऐसे ही अपने आंगन में नहीं रख सकते, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इन्हें ये बात समझाने के लिए सबक सिखाना होगा। यहाँ क्या हो रहा है? तुम क्यों झगड़ रहे हो? चलो ठीक है। हे, बंद करो ये सब। जानवरों को यहाँ लाकर गलती कर दी डैडी। हाँ, शायद तुम सही हो। अगर इन्होंने फिर झगड़ा किया तो हम इन्हें केनेथ के पास ज़ू में लौटा देंगे। चलो इन्हें खाना खिलाए, शायद इन्हें भूख लगी हो। क्या कर लोगे तुम बुद्धू जानवर? नहीं नहीं, बचाओ बार्की, मेरे लिए रुको बार्की। अरे नहीं, हमें उन्हें बचाना होगा मॉर्फो। तुम एक हेलीकॉप्टर बन जाओ। ठीक है, तुम एक पिंजरे वाला ट्रक बन जाओ मॉर्फो। ऐसे बुरे काम क्यों कर रहे हो बताओ? क्योंकि वो बहुत बुरे जानवर हैं। आखिर मैं जीत ही गया। अरे रुक जाइए, क्या आप ही इन्हें इतने समय से परेशान कर रहे थे? तो क्या, ये खतरनाक जानवर है। तस्वीर है मॉर्फो, पर तुम उसकी पूंछ भूल गए। टीरेक्स के पास पूंछ? और मुझे याद नहीं आ रहा कि टेरोडैक्टिल कैसा दिखता है। हमें डायनासोर के समय में जाकर उनके बारे में सीखना चाहिए। हाँ। समय भाई, क्या आप हमें डायनासोर के समय में भेज सकते हैं? डायनासोर की तस्वीर खींचें। मॉर्फो, तुम एक फोटोग्राफर सोरस बन जाओ।
तस्वीर। बढ़िया। देखो मॉर्फ, टेरोडैक्टो। देखो, उसकी चोंच लंबी और पंख ग्रे है। और हेलीकॉप्टर का पंखा? वाह, वो बड़ा अजीब डायनासोर था। देखो मॉर्फ, एक टी-रेक्स। टी-रेक्स बहुत बड़े होते हैं और उनके दांत भी। और रोलर स्केट्स। मैंने कभी किसी डायनासोर को ये करते हुए नहीं देखा। खैर, चलो हम दूसरे डायनासोर को ढूंढें मॉर्फ। देखो मॉर्फ, ये अर्जेंटिनोसॉरस है। कितना बड़ा है। हाँ मॉर्फ, ये बहुत बड़े होते हैं और इनकी गर्दन भी लंबी होती है। देखो मॉर्फ, वो अपनी गर्दन से उस पत्ते तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये क्या हो रहा है? क्या तुमने भी वो हंसी सुनी मॉर्फ? हाँ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चलो उस अर्जेंटिनोसॉरस का पीछा करें। ऑर्फ, ऑर्फ, तो ये सब तुम्हारा काम था? है? वो हेलीकॉप्टर के पंखों वाला टेरोडैक्टिल, वो स्केटिंग करने वाला टी-रेक्स। फिक्र मत करो, इस वजह से हमारे पास बढ़िया तस्वीरें हैं। क्या तुम देखना चाहोगे? जाओ। फ्यू, शुक्रिया मॉर्फिल, शहर के सुपर हीरो। वाह, ऑर्फो भी सुपर हीरो बनेगा। ऑर्फो, अरे नहीं, हमें उन्हें बचाना होगा। ऑर्फो, ऑर्फो भी सुपर हीरो। शुक्रिया मॉर्फल। बचाओ। नहीं, मेरे शहर में नहीं। चलो हम टाइगर को जू में ले जाते हैं। ठीक है। टाडा! अरे नहीं! जल्दी मॉर्फ, उस टाइगर को वहां से निकालना होगा। वाह, जरा देखो तो वो क्या है? एक मीटियोर। और वो मीटियोर को रोकेगा। हाँ,
अब वो मीटियोर शहर की तरफ गिर रहा है। अरे नहीं, मीटियोर को रोको मॉर्फल। अच्छा काम किया मॉर्फल, तुमने मीटियोर को रोक लिया। तुम एक असली सुपर हीरो हो मॉर्फल। हमें छोड़ो। नहीं, मॉर्फल को इस जाल में फंसाने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। बचाओ, बचाओ। तुमने सुना, हमें उन्हें बचाना होगा। मॉर्फल सुपर हीरो बचाएगा। मॉर्फल रुको, वहाँ जाल है। मॉर्फल बचाएगा। हमने तुम्हें पकड़ लिया मॉर्फल। रुको, वो मॉर्फल नहीं है, वो मॉर्फल है। ये रहा मॉर्फल। मॉर्फल, क्या तुम ऑफिसर फ्रीज को ले आओगे ताकि वो इन्हें गिरफ्तार कर सके? तुम ये क्या? ओ बदमाश। थैंक यू ऑर्फल। हमें बचाने के लिए शुक्रिया ऑर्फल। तुम एक असली सुपर हीरो हो। तू 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 तुरत तू 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 तू। अरे नहीं मॉर्फल, जल्दी से ग्रीन में बदल जाओ। शुक्रिया मीला और मॉर्फल। अब जल्दी से ब्रिज बन जाओ ताकि ये कार्स वहां से इस तरफ आ पाए। देखो, ये तो किसी विशाल शार्क का फिन है। मॉर्फल, जल्दी से एक विशाल स्लाइड बन जाओ। शुक्रिया मीला और मॉर्फल। उन इमारतों को तो देखो। जल्दी से क्रेन बन जाओ। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इमारतें उठा दी हैं मॉर्फल। सच में नीचे कितना अंधेरा हुआ पड़ा था। क्या आप जानते हैं कि ये गड्ढे क्यों बन रहे हैं डैडी? शायद पता है। देखो, वो एक अर्थ शार्क है। हेलो अर्थ शार्क। मुझे नहीं लगता कि अर्थ शार्क शहर में कुछ बर्बाद करने आई है। वो बस कोई दोस्त ढूंढ रही है। मैं सही कह रहा हूँ ना अर्थ शार्क? मुझे पता है तुम्हारे लिए परफेक्ट दोस्त कौन होगा। ऊपर वाले बचाओ, क्रिसमस तोहफे चुराने वाले डाकुओं ने मेरी टाइम मशीन इस्तेमाल करके अतीत से ट्रैक्स चुरा लिया है। अब हम क्रिसमस के तोहफे चुराने वाले डाकू नहीं है, अब हम बन गए हैं डायनो डाकू। जल्दी से एक पुलिस कार बन
जाओ। अब दिखाओ अपनी ताकत। इस शहर के मालिक हम हैं। अब बताओ ये शहर तुम्हारा है कि मेरा है? घुटने पर चोट लगी है। मॉर्फल जल्दी से एक एम्बुलेंस में बदल जाओ। डायनासोर के लिए एक बड़ी सी एम्बुलेंस। मुझे नहीं लगता कि ये इसके लिए काफी होगा। मॉर्फल, जल्दी से क्रेन में बदल जाओ। मिला और मॉर्फल, तुम दोनों के लिए कॉल आया है। ओ, कौन है? मैंने कॉल किया। ओ, आइसक्रीम मैन। मैंने आइसक्रीम का नया यम्मी फ्लेवर ढूंढा है, पर मैं वहाँ से बहुत दूर हूँ और थोड़ी ही आइसक्रीम बची है। ओ नो, आप फिक्र मत कीजिए आइसक्रीम अंकल, हम आपके पास आ रहे हैं। ये तो ऑर्फल है। अगर वो आइसक्रीम अंकल के पास पहले पहुंच गया तो वो सारी आइसक्रीम खा जाएगा। इसका मतलब एक और मॉर्फल भी है। अरे नहीं, मेरी कार, मेरी पुलिस कार के बिना मैं क्या करूंगा? ओह, हमें ऑफिसर फ्रीज की कार वापस दिलवानी होगी मॉर्फल। हाँ, शुक्रिया मिला और मॉर्फल। शायद औरतों को पता नहीं कि पानी पर सबसे तेज कौन है, पर मुझे पता है। जल्दी से स्पीड बोट बन जाओ। बाय बाय। अब हम जंगल में हैं। जल्दी से एक बंदर में बदल जाओ।
इतनी तेजी से नहीं दौड़ सकती ऑर्फल। मॉफल? अरे नहीं, ये तो ऑफल है। ऑफल? लगता है ऑफल वहाँ पहले पहुँच गया। तुमने मेरी सारी आइसक्रीम खा ली। ओ नहीं! हमें देर हो गई मॉफल। फिक्र मत करो, मैं तो आइसक्रीम खत्म होने का नाटक कर रहा था ताकि वो यहाँ से चला जाए। तुम दोनों के लिए बहुत सारी आइसक्रीम बची है, तुम्हारे लिए, बंदर महाशय के लिए और मेरे लिए भी। थैंक यू आइसक्रीम अंकल। हेलो आइसक्रीम अंकल, दो आइसक्रीम दीजिए प्लीज। बिल्कुल नीला, कौन सा फ्लेवर चाहिए? सबसे अच्छा फ्लेवर कौन सा है? सबसे अच्छा फ्लेवर वो तो मेरे पास नहीं है। सबसे अच्छा फ्लेवर मेरे दादाजी ने बनाया था। वो पूरी दुनिया में सफर किया करते थे ताकि एक खास चीज इकट्ठा कर सके। एक इतना मीठा फूल जिससे आइसक्रीम को मिलता था एक बहुत ही बढ़िया स्वाद, पर उनके जाने के बाद मुझे वो फूल मिला ही नहीं, इसीलिए मैंने बनाना बंद कर दिया। हम आपके लिए वो फूल ला सकते हैं। वो कहाँ मिलता है? वही तो मुश्किल है, हर साल वो फूल अलग अलग जगहों पर उगता है। पर मेरे दादा उसके बारे में लिख कर गए हैं, उससे तुम्हें तलाश करने में आसानी होगी। लगता है हमें काफी लंबा सफर करना होगा। मॉर्फल जल्दी से हेलीकॉप्टर बन जाओ। इन नोट्स के मुताबिक हमें जंगल में जाना चाहिए। मॉर्फल जल्दी से वहाँ चलो। ओके, चलो तुम्हारी नाक का इस्तेमाल करें मॉर्फल, जल्दी से डॉग में बदल जाओ। लगता है उनके पास शक्कर जैसी कोई चीज है। तलाश जारी रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो फूल इस जंगल में है मॉर्फल। मुझे भी सुगंध आ रही है। देर में बन जाएगी। आइसक्रीम! ये लो, सबसे बढ़िया फ्लेवर की आइसक्रीम। वाओ, बहुत ही यम्मी है। वाओ, आइसक्रीम! और दू? सॉरी मॉफल, उतने फूल से मैं बस उतनी आइसक्रीम बना पाया। चम्मच चाट सकते हो। Yeah!